से कोई है यहाँ पे, और बड़ी ही अजीब सी। ये क्या था बे? ये वो बच्चों की आवाज है यहाँ पे, अजीब से बच्चों की आवाज। हाय, मेरा नाम है ओम और आज मैं आया हूँ भवाना के पास। एक फ्लैट है, फ्लैट एक फ्लैट नहीं है, बहुत सारे ही फ्लैट हैं, और ये जो दिख रहा है ना आपको, सब के सब खाली पड़े हैं। लोग आए थे यहाँ पे रहने, बट सब के सब लाइन से लोगों ने सब ने खाली कर दिए। और यहाँ पे यहाँ की जो हॉन्टेड स्टोरी है मैं आपको वो बताऊँगा, सब के सब लोग खाली करके क्यों चले गए, और यहाँ पे लोग दिन में भी आने से क्यों डरते हैं। ये डे विजिट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं दिन में दिखाता हूँ आपको कि दिन में कैसा है, और रात में भी आके मैं यहाँ की वीडियो बनाऊँगा। तो कुछ ना ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे ना कुछ चल रहा हो, ऐसी कुछ अजीब सी आवाज़ भी यहाँ से आ रही थी मुझे, और मुझे ना इस तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ जैसे कोई चल रहा था। बट नहीं, मैं एक बात बताऊँगा कि यहाँ पे ना दिन में भी कोई नहीं आता है। मैं का यहाँ के जो हॉन्टेड स्टोरी क्या है, क्यों खाली कर दिया गया, ये पढ़ता कहाँ पे है सब कुछ, और इसका नाइट ब्लॉग भी चाहिए तो मुझे आगे कमेंट बता देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा घूमते हैं और देखते हैं दिन में कैसा है, दिन में कुछ होता ही नहीं होता। तो चलो आ जाओ। तो देखो वहाँ से स्टार्ट है फ्लैट और ये यहाँ तक, और ये तो आपको एक लाइन दिख रही है, और ये एंड है वहाँ, एंड है ये, यहाँ एक लाइन है इस तरफ है, एक लाइन उस तरफ है। तो ये इतने बड़े फ्लैट हैं, और चलो मैं आपको उस तरफ जाता हूँ और उस तरफ का दिखाता हूँ। तो ये कुछ भाग के गया था यहाँ से, ये कुछ भाग के जा रहा है, तो मुझे लगा पता नहीं क्या भाग के जा रहा है। और इन फ्लैटों में देखो दिन के टाइम पे भी आपको कोई दिखाई नहीं देगा, दिन के टाइम अगर दूर दूर आपको दिख रहा हो तो कोई नहीं है, और इस तरफ भी देखो कोई नहीं, बिल्कुल खाली पड़े हैं फ्लैट। तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, और इससे सब फ्लैट ना सेम ही है, आपको देखो तो सब सेम ही दिख रहे हैं, और ऊपर से भी हर तरफ से सेम है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक फ्लैट में भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ना, जो रोड होते हैं रोड पे ऐसी झाड़ी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। तो फ्लैट मैं आपको पूरा अभी तो बाहर बाहर से घूम के दिखा रहा हूँ, तो किसी एक फ्लैट देखो सबके सब सेम से है बिल्कुल, तो किसी एक में चलेंगे और ऊपर तक चलेंगे, देख के आएंगे ऊपर तक कि क्या है यहाँ पे। और हर तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो सेम ही है, और हर तरफ ना ये उग चुके, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान तक नहीं आता है। ऐसी जगह नॉर्मल जगह पे ना जो चर्ची टाइप लोग होते हैं वो आते हैं, मुझे पता नहीं लोग यहाँ पे आते हैं नहीं आते, अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं यहाँ पे चर्ची टाइप का। तो चलो और देखते हैं, किसी फ्लैट में घुस के देखता हूँ मैं कि क्या सीन है यहाँ पे। मैं ना बिल्कुल एंड में आ चुका हूँ फ्लैट के, जहाँ मतलब पूरा घूम घूम के देखो, मैं इधर से थोड़ा दिखाऊँ आप लोग को, ये रोड तो दिख रहा हूँ बिल्कुल एंड में, वहाँ तक फ्लैट है, फ्लैट बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कोई नहीं रहता अब यहाँ पे। इस तरफ दूर तक इसी बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री के उस तरफ है रोड, और ये है वो फ्लैट। तो ना बस मुझे ऊपर फ्लैट में जाके भूत का डर नहीं है, देखो सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है कि कोई चर्सी वर्सी ना बैठा हो चार पांच लोग, तो इस बात का थोड़ा डर सा लग रहा है, और कोई डर नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक फ्लैट में जाके देखता हूँ, क्योंकि जो फ्लैट है ना बिल्कुल सेम है, तो हर फ्लैट में घूम के दिखाना बेकार है। किसी एक फ्लैट में जाएंगे, चार फ्लोर तक जाएंगे, और तेरी सच में कह रहा हूँ मुझे ऐसा लगा अभी कि ये जगह दिख रही है कि यहाँ से कोई भाग के गया। एक मिनट मैं देख के आता हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ बैठा हुआ था वो भाग के गया बिल्कुल। नहीं कोई नहीं है, क्या पता छुप उप गया हो, अगर कोई होगा भी तो थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि देखो ना यार, तो इतने बड़े फ्लैट में इसके कूद के भी इंजॉय हो जाएगा। आगे से की तरफ बहुत गेट है, और बिल्कुल एंड में आ चुका हूँ, तो यहाँ पे कुछ है जैसे कुछ ना कोई भाग वगैरह है, मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ छुपा हुआ था, यहाँ छुप के इधर भागा है। तो एक बार आगे और दिखाता हूँ, आगे और दिखाता हूँ एक बार कि कहीं छुप उप के कोई मेरे को देख वेख रहा हो। तो यहाँ पे ना कुछ अजीब सा लग रहा है जैसे ना कि फ्लैट में से कि कोई मुझे अभी यहाँ से देख रहा था, तो कुछ ना अजीब सा तो लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों यार। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे, आओ बाहर चलते हैं पहले तो, मैं चलो इधर देख लेता हूँ एक बार। दिन का टाइम शायद कोई चर्सी वर्सी हो यार, बस उस बात का डर है कि चर्सी वर्सी कोई बैठा हो और हमें छुप छुप के देख रहा हो, तो बात अलग है यार ये ना। और ये खाली क्यों इस फ्लैटों में मुझे नहीं पता, फ्लैट देख रहे हो आपको, ये देखो कोई नहीं है, एक इंसान तक नहीं है।
और बस इसी बात का डर है कि कोई बंदा तक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ना ये खम्भे लग चुके थे, लाइट के कनेक्शन हर फ्लैट में जा चुके थे, और फिर यहाँ पे खाली लोग ने एक एक करके लोगों ने खाली करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ खाली क्यों हुआ था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फ्लोर कितने हैं। तो देखो एक ये ग्राउंड फ्लोर, एक दो तीन, तो तीन फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है। तो अब इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसके अंदर भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं ना हर तरफ घूम के ना एक बार ना ये देख ले रहा हूँ कि कोई है तो नहीं जो मेरा पीछा कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं हर तरफ घूमने के बाद ही इसके अंदर जाऊँगा, क्योंकि ऐसा ना हो मैं मेरा वो लोग पीछा कर रहे हो और मैं ऊपर चढ़ूँ तो वो लोग मुझे ऊपर मिल जाए। ऐसा ऐसी पागलपंती नहीं करूँगा, बट देखते हैं। और इसके इस हॉन्टेड फ्लैट पे घूमने की कोशिश करते हैं, और बार बार ना मुझे ऐसा को लगता है कि किसी ना फ्लैट में से कोई मुझे देख रहा है। सच बताऊँ हर फ्लैट में से लग रहा है, और हर फ्लैट में से लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है और फिर वो गायब हो जा रहा है। सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी फीलिंग आ रही है। और ये रोड देखो बिल्कुल, और ये फ्लैट वो एंड तक दिख रहे होंगे वहाँ से, बिल्कुल ये यहाँ तक है, दो लाइन है इसकी। थोड़ा अजीब सा तो कुछ है यार यहाँ पे, दिन के टाइम भी कुछ अजीब सा हो रहा है, दिन के टाइम भी कोई नहीं आता यहाँ पे इसी कारण। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन फ्लैटों में चल रहा हूँ, इन फ्लैटों का दिखाता हूँ आप लोग को। तो यार नीचे तो बहुत गंद मचा रखा है, तो नीचे नहीं जाएंगे, अब चल रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पे नमकीन पड़ी कुछ करने, और सामने की तरफ देखो तो बिल्कुल फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल दूर दूर तक इस तरफ है रोड, उसके उस तरफ है रोड। तो ओए होए ऊपर अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, भी गन सा मचा रखा है, कोई बोल रहा है कुछ यार, कोई है क्या नीचे, मैंने दिखा बहुत नीचे बहुत गंदा सा है। तो एक फ्लैट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मैं चार सा बना रखा है। अब और ऊपर चल रहा हूँ मैं, ओए होए नीचे बहुत गंद है, तो मैं कैमरे में दिखा नहीं पाऊँगा। एक रूम सा है, जैसे एक रूम छोटा सा, वो आई थिंक किचन बाथरूम है ऐसा कुछ है। ओए होए बहुत गंदा मचा रखा है यहाँ पे। तो अब मैं सबसे ऊपर वाले फ्लैट पे आ गया हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, सबसे ऊपर के फ्लैट पे आ गया हूँ मैं। और पता नहीं क्या मिट्टी विट्टी पड़ के बहुत गंदा हुआ पड़ा है यार यहाँ पे, बहुत गंदा हुआ पड़ा नीचे से। और इधर देखो एक रूम इधर है, किचन बाथरूम कुछ बना रखा है, ये बालकनी सी हल्की सी, और इधर के ये पूरे फ्लैट है। तो कहीं ऊपर से पानी टपक रहा है, और ये सेम सब फ्लैट सेम वैसे ही हैं। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि स्मेल बहुत बुरी आ रही है इसकी। तो मैं खड़ा हूँ अभी फोर्थ फ्लोर पे, और ये बिल्कुल मतलब टॉप पे खड़ा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ एक फ्लैट इधर है, मतलब फ्लैट जो होते हैं ना एक इस तरफ है, एक सामने एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। बाहर आ गया हूँ, अंदर से बहुत स्मेल आ रही है, इसलिए अब मैं बताता हूँ कि यहाँ के जो कि सारे के सारे फ्लैट खाली होने की वजह क्या थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वजह, देख रहा हूँ आपको ये दिख रहा है, बच्चे ऐसे शायद फोर्थ फ्लोर पे थे, ऐसे खेलते खेलते दो बच्चे नीचे गिर गए थे। तो आई थिंक भाई साहब सच में कह रहा हूँ, सच में मुझे अभी ऐसा लगा जैसे इस वाली खिड़की से कोई भाग के गया। तो यहाँ पे ना ये चीज़ मैं जब से आया हूँ ना मुझे बहुत बार लग चुकी है ये चीज़ कि जैसे कोई है और भाग रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो दो बच्चे थे वो खेल रहे थे और नीचे गिर गए, तो उन बच्चों की डेथ हो गई थी। वो थे शायद 11 से 12 साल के, और दोनों वो जुड़वा भाई थे। बच्चों का ये होता था ना कि आओ हमारे साथ खेलो, और बच्चों को दिखते थे और वो गायब हो जाते थे। तो बच्चे जैसे दिख रहे हैं आपको फ्लैट, तो क्या हुआ था कि बच्चे बहुत डर गए थे, उसके बाद वो अपनी फैमिली वालों को बताने लगे। तो एक के साथ हुआ, दो के साथ हुआ, तीन के साथ हुआ, ऐसे कर करके फिर ये बाद में सीन हुआ कि वो बच्चों जो बच्चे थे ना वो छोटे छोटे बच्चों को डराते थे, जिस वजह से वो डर वर के बच्चे कभी कभी एक दो बार वो नीचे गिर गए थे। तो आई थिंक 6 या 7 बच्चे जो यहाँ पे फिर से उनके एक अजीब सी आवाज़ है यहाँ पे, तो उनके बाद 6-7 बच्चे और डर के
नीचे गिर गए, क्योंकि होता ये था कि जो ये दिख रहा है आपको पीछे वो जो होता है वो बड़ा छोटा सा है यहाँ पे, अगर कोई आके जैसे ये बना रखा बहुत छोटा सा बना रखा है कि कोई आपको दिखता है ना डराता है तो आप नीचे गिर जाते हो। तो बच्चे यहाँ से 6-7 बच्चे यहाँ से नीचे गिर गए थे। इसके बाद लोगों ने क्या किया कि लोग यहाँ से फ्लैट ये खाली करने लग गए। तो आज लोग बताते हैं कि उन बच्चों की रूह आज भी इन फ्लैटों में घूमती है और दिखती है। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे जब से मैं आया हूँ मुझे कोई ना कोई बच्चा जैसा ही बड़ा सा बच्चे बड़े जो भी हैं मुझे इन जगह पे ऐसा लगा रहा कि इस खिड़की से दिख रहा है, उस खिड़की से दिख रहा है, अजीब सी आवाज़ से आ रही है और चर्सी वर्सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है। तो मतलब इस तरफ नहीं है, दूसरी तरफ फ्लैट काफ़ी बड़े हैं। तो फिलहाल मैं ये करता हूँ नीचे चलता हूँ और फिर देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो यार मैं जब ऊपर से उतर रहा था ना मुझे लगा कि जैसे कोई है यहाँ पे और बड़ी ही अजीब सी, ये क्या था भाई, कोई नहीं है, फिर ये आवाज कैसी थी, फिर ये आवाज कैसी थी, फिर आवाज पता नहीं। अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, ऊपर खड़ा था फ्लैट के और कुछ ना अजीब सा हुआ और फिर मैं नीचे आ गया। पता है ऐसा लगा ऐसा ना किसी ने कुछ आवाज़ की और बंदा फिर वहाँ से गायब हो गया। और उससे पहले मेरे को ना बच्चे जैसे ना छोटे छोटे बच्चे की परछाई आती है वो दिखा मुझे। ये कौन कर रहा भाई, चर्सी वर्सी तो नहीं अंदर, ये इस वाले से या इस वाले से कुछ अजीब सी आवाज़ सी आई थी, देख चल के देखना चाहिए मुझे, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, कोई दिख तो नहीं रहा है, कोई है, कोई है क्या, अरे कोई है क्या, आ जाओ कुछ बताओ, अब तो हिम्मत से नहीं हो रही अंदर जाने की। और तेरी ये वो किचन है, वो आई थिंक वो बाथरूम है, ये किचन दिख रहा होगा आपको, तो उसके अंदर नहीं जा रहा मैं, आप थोड़ा सा इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये पता नहीं क्या है जो खुला हुआ सा, तो कुछ ऐसा ये गेट वेट तोड़ के लोगों ने बेच दिए हैं। ऊपर देखो इस फ्लैट में से ना कुछ अजीब सी ना आवाज़ सी आ रही है मुझे, पता नहीं किस चीज़ का है। और ये देखो कुछ ना अजीब सा है यहाँ पे, कुछ ना अजीब सा है यहाँ पे, अजीब सा ही है कुछ। ये वो बच्चों की आवाज है यहाँ पे, अजीब से बच्चों की आवाज से आ रही है। ये देखो बच्चे चिल्ला रहे हैं कुछ, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से, अजीब सा ही है। और ये बहुत सब कुछ गिरा यहाँ से तो मुझे निकलना चाहिए फ्लैट डालता हूँ यहाँ से। पता है मैं उस फ्लैट से काफ़ी दूर आ गया भाग के, वहाँ पे मतलब कुछ अजीब सा था, बच्चे जैसे ना बच्चे बोलते हैं ना कि कुछ था कि चले जाओ यहाँ से, कुछ ऐसा कुछ आवाज़ सी आई और वो फटाफट ऊपर से गिरे। तो मेरी हिम्मत तो नहीं, पता नहीं जैसे दीवार वो क्या होता है, अरे गेट मैं भूल गया, इतना नर्वस हो गया, वो सब कुछ गिरा तो मैं वहाँ से निकल गया। तो ये वीडियो में कुछ था और नाइट का भी करेंगे। और ये बच्चों की आवाज़ इसमें क्लियर आई थी, वो फट्टे से पता नहीं ये गेट सा कुछ गिरा, वैसे बच्चों ने कहा कि चले जाओ यहाँ। आज वीडियो अब मेरी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ाने की, क्योंकि